यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कलर्स में ट्रैक्टर हैं, देख सकते हो। एक जेसीपी भी है। यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ जो रखी हुई थी वो बहुत गंदी हो चुकी हैं, जिनका कुछ तो करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। यहाँ पे सभी गाड़ियाँ आ चुकी हैं अपने अपने रेस के लिए, और यहाँ पे ये ऑटो रेस के लिए निकल चला है। हमारे पास एक सुंदर सा पेड़ है जिसके नीचे एक बहुत अच्छी गाड़ी है, और एक घर है, और एक और पेड़ है जिसके नीचे ऑटो रखा है, और एक हैंडपम्प है। डोरेमोन यहाँ पे निकल चला है अपनी गाड़ी लेके, अपना ट्रैक्टर लेके, बहुत ही सुंदर इसका ट्रैक्टर लाल कलर में। हम सभी गाड़ियों को यहाँ पे ले आते हैं धोने के लिए। इसको भी ले आते हैं, एक एक करके हम सभी गाड़ियों को ले आएंगे। यहाँ पे ब्लू कलर का भी ट्रैक्टर यहाँ पे निकल चला है अपने रेस जीतने के लिए। इसको भी रेस जीतने की बड़ी ही इच्छा है, देखते हैं ये जीत पाता है कि नहीं। यहाँ पे अब एक एक करके सभी गाड़ियाँ अपने रेस के लिए जाएंगी, देखते हैं इस रेस में कौन जीतता है। यहाँ पे हमने सभी गाड़ियाँ धोने के लिए ले आई हैं, बस ट्रैक्टर्स बचे हैं जो अब हम इसको लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ये अपनी गाड़ी लेके निकल चला है। यहाँ पे बियर भी अपनी ट्रैक्टर लेके जा रहा है रेस के लिए आगे बढ़ते हुए। सभी गाड़ियाँ अपने अपने रेस के लिए निकल चुकी हैं। अब हम गाड़ियों को धोने के लिए हैंडपम्प से पानी निकालते हैं। ये पानी आ गया, अब गाड़ियाँ धोना स्टार्ट करते हैं। पहली ऑटो की बारी। ये पहला ऑटो धुल चुका है, और ये वाला ऑटो भी। यहाँ पे डोरेमोन अपना ट्रैक्टर लेके काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे एक घर आ गया है। यहाँ पे दूसरा ट्रैक्टर भी आ चुका है। यहाँ पे सभी गाड़ियाँ अपना अपना गाड़ी लेके पहुँच चुकी हैं, और ये बियर भी पहुँचने ही वाला होगा, ये पहुँच गया। अब हम यहाँ पे जेसीबी धोना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहली जेसीबी धुल गई है, दूसरी भी धुल गई है, और धीरे धीरे करके हम सभी धो लेंगे। यहाँ पे सभी गाड़ियाँ लगभग आ चुकी हैं, देख सकते हो। सभी ट्रैक्टर्स पहुँच चुके हैं, जेसीबी भी पहुँच चुकी हैं। यहाँ पे सभी गाड़ियों को आप देख सकते हो। यहाँ पे अब सभी ऑटो निकल चुकी हैं, और गाड़ियाँ भी अब जा ही रही हैं। अब सभी जेसीबी चल चुके हैं, अब ट्रैक्टर्स की बारी। अब ट्रैक्टर्स को लेके आते हैं। अब यह ख़त्म। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।